अपन सीधा सेकंड क्वेश्चन से चलते हैं, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास। सेकंड क्वेश्चन कहता है मेरे पास कि वेलोसिटी इक्वल टू बिटवीन 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड। तो डिस्टेंस ट्रेवल निकालने को लिख सकते हैं अपन डीएक्स बाई डी टी इंटीग्रेशन लिख दिया। चलिए सिंपल सी बात, नाउ अपन क्या करेंगे, dx इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन बाय dt मल्टीप्लीकेशन बाय dt। नाउ द क्वेश्चन इज टेलिंग अस कि डिस्टेंस बताइए कितनी देर के अंदर, डिस्टेंस बताइए फ्रॉम 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड। So we will integrate it from 1 second to 2 second, integrate करके answer निकाल सकते हैं। इस तरफ आ जाएगा मेरे पास x and on the right hand side we will get integration, this will be a t square by 2 plus b t cube by 3, limit will be from 1 to 2, limit will be from 1 to 2. Putting these values in this equation, we will get x is equal to a, upper limit put करेंगे पहले अपन, so this will be 4/2 minus b, sorry plus b, 2 की value put की 8/3. Now we will do minus, lower limits put करेंगे, this will be a/2 minus b/3. So the answer becomes 3a/2. प्लस 7b/3 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस पर्टिकुलर पार्टिकल इन टाइम 1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। फटाफट बताइए क्या यहाँ तक अपन को क्लियर हुआ कि नहीं। सो द आंसर 3a/2 प्लस 7b/2, आंसर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यस ऑर नो रेज योर हैंड। Yes, Manan the Kaushal, what is your doubt? Yes, beta, bolo. Yes, tell me, Subin, bata. Yes, Manan. सर आवाज नहीं आ रही। कुमकुम पारिक, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, योर वॉइस इज नॉट कमिंग। वॉइस नहीं आ रही है? यस सर। अच्छा तो फिर आपको पता किस चला, मैंने जब बोला वॉइस नहीं आ रही है तो आपने बोला यस सर। वेलकम। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि वॉइस नहीं आ रही है, फटाफट हैंड रेज करके बताइए। अरे बाप रे, वेट फॉर 2 मिनट, लेट मी चेक। 2 मिनट वेट करिए बेटा, जब से क्लास दोपहर में लगने लगी है कुछ ना कुछ दिक्कत ही है।
चलिए बच्चों आप बताओ कि आवाज आ रही है कि नहीं, ये सब नो फास्ट रिजाइन करके बता दो। फटाफट यार सभी बच्चे बताएंगे कि वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही। एवरीवन फटाफट बताइए। चलिए ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गेटिंग। A stone falls under gravity. एक पत्थर है जो कि ग्रेविटी से इंफ्लुएंस में फॉल करता है, गिरता है। इट कवर्स H1, H2 एंड H3, तीन डिस्टेंसेस ये कवर करता है, H1, H2, H3 इन 5 सेकेंड टाइम इंटरवल्स। 5 सेकेंड के टाइम इंटरवल्स के अंदर ये H1, H2 और H3 डिस्टेंसेस को ट्रैवल करता है। ये क्वेश्चन अपन को प्रोवाइड है। चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद अपन से पूछा जा रहा है द रिलेशन बिटवीन H1, H2 एंड H3 विल बी। ये रिलेशन कितना रहेगा, क्या रहेगा, ध्यान से देखिए। हमने एक पार्टिकल को गिराया है, ड्रॉप किया है, इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं उसकी क्या रहेगी, जीरो रहेगी। तो अपन बोल सकते हैं दैट दी इफ अ पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट द इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। चलिए फर्स्ट 5 सेकेंड में ऐसा मानते हैं कि ये पार्टिकल गिरता हुआ यहां पहुंचा होगा, तो यहां से यहां तक टी इक्वल टू 5 सेकेंड हो गया। नेक्स्ट 5 सेकेंड की अगर बात की जाएगी तो अपन देखो 10 सेकेंड का पहले डिस्टेंस निकाल लेंगे और उसमें से 5 सेकेंड का सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे को क्या मिल जाएगा, नेक्स्ट 5 सेकेंड के लिए हाइट मिल जाएगी H2। H1 मुझे मिल जाएगी फर्स्ट 5 सेकेंड के लिए, और ऐसे ही अगर मैं टोटल 15 सेकेंड के लिए डिस्टेंस निकाल लूँ और उसमें से 10 वाले को माइनस कर दूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा, H3 भी मिल जाएगा। तो लॉजिक हमें क्या कहता है, लॉजिक क्या रहा है कि हर 5 सेकेंड के अंदर H1 डिस्टेंस कवर करता है ये स्टोन, ये पत्थर जिसको हमने गिराया है, ये हर 5 सेकेंड में H1, H2, H3 डिस्टेंसेस को कवर कर रहा है। H1 अगर मुझे कैलकुलेट करना तो H1 डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहां से मेरे पास आंसर आ सकता है 25g/2 H1 की वैल्यू आ गई। तो लंबी मैं निकाल सकता हूँ टोटल डिस्टेंस पत्थर से लेके नीचे तक, मतलब मैं ये x की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ और ये y की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। यहाँ से देखिए x की वैल्यू क्या होगी, g/10 का स्क्वायर, और y की वैल्यू होगी 0.5g/15 का स्क्वायर। तो एक बार तो अपन ने 5 सेकेंड का डिस्टेंस निकाला, एक बार अपन ने 10 सेकेंड का डिस्टेंस निकाला, एक बार अपन ने 15 सेकेंड का डिस्टेंस निकाल लिया। अब अपन को H1 तो डायरेक्टली पता चल गया, H2 निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, x में से H1 को माइनस कर देंगे, और सिमिलरली H3 निकालने के लिए क्या करेंगे, y में से x को माइनस कर देंगे। सो सी व्हाट इज द आंसर, यहाँ पर आया मेरे पास 100g/2 और इधर मेरे पास आंसर आ जाएगा 225g/2। तो फॉर कैलकुलेटिंग H1 मेरे पास 25g/2 ही है, H2 मेरे पास कितना आ जाएगा, x minus h1 करोगे दिस बिकम 75g/2। और सिमिलरली H3 जब अपन कैलकुलेट करेंगे, H3 क्या आएगा, y minus x, सो दिस विल बी y minus x, आंसर विल बी 225g/2 -100, सो 225g/2 -100g/2। After calculating, we are getting 125g/2। तो ये मेरे पास H1 भी निकल गया, ये मेरे पास H2 भी निकल गया, और ये मेरे पास H3 भी निकल गया। अब अपन को क्या करना है, इन तीनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो तीनों के बीच में रेशियो कैलकुलेट कर लो और फटाफट यहाँ से आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। फटाफट बताइए हैंड रेज करके, इफ दिस इज क्लियर टू एवरीवन और नॉट, फटाफट मुझे हैंड रेज करके बता दो बेटा। This is very important question, very important, very easy, and this has come in your NEET examination. बेटा ये तो sheet है, ये पूरी sheet आपके NEET examination पे based है। So फटाफट hand raise करके बताइए, if this question is clear to everyone or not? Pass, everyone.
यस और नो? पांच बेटा एच थ्री की वैल्यूज। मैंने कहा ठीक है निकाल लेंगे। सबसे पहले अपन ने क्या किया, ऊपर से नीचे तक 5 सेकंड का डिस्टेंस निकाल लिया। फिर अपन ने टोटल 10 सेकंड का डिस्टेंस निकाल लिया। फिर अपन ने टोटल 15 सेकंड का डिस्टेंस निकाल लिया। अब अगर फर्स्ट डिस्टेंस की बात करें तो यही डिस्टेंस फर्स्ट 5 सेकंड का होगा। एच वन बराबर निकाल सकते हैं अपन। तो मैंने अगर सिर्फ नेक्स्ट 5 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है तो मैं 10 सेकंड के डिस्टेंस में से 5 सेकंड को माइनस कर दूंगा तो नेक्स्ट 5 सेकंड का डिस्टेंस आ जाएगा। 10 सेकंड में से 5 सेकंड को माइनस कर दिया, नेक्स्ट 5 का आ गया। सिमिलरली अगर मुझे थर्ड 5 सेकंड में अगर कितना डिस्टेंस निकालना है, एच थ्री की वैल्यू निकालनी है, तो अपन टोटल 15 सेकंड वाले डिस्टेंस में से 10 सेकंड के डिस्टेंस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और मेरे पास एच थ्री की वैल्यू भी आ जाएगी। तो यही चीज थी, पहले मैंने टोटल 5 सेकंड में डिस्टेंस निकाला तो इधर मैंने डी की वैल्यू 5 सेकंड ली, इधर मैंने डी की वैल्यू 10 सेकंड ली और इधर मैंने डी की वैल्यू 15 सेकंड ली। ठीक है, फिर मैंने एच वन को कैलकुलेट किया तो एच वन तो डायरेक्टली आ गया 25g/2। फिर मैंने क्या किया, एच टू निकाला। एच टू निकालने के लिए मुझे एक्स में से एच वन को माइनस करना पड़ा, तो एक्स माइनस एच वन विच इज 75g/2। देन लास्टली मैंने एच थ्री निकालने के लिए वाई माइनस एक्स किया, पूरे 15 सेकंड के डिस्टेंस में से 10 सेकंड के डिस्टेंस को माइनस कर दिया, तो वाई माइनस एक्स विच इज 225g/2 माइनस 100g/2 आंसर आ गया 125g/2। अब अपन इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो H1:2, H2:2, H3 इनका रेशियो अगर मैं कैलकुलेट करूंगा आंसर विल बी 25g/2:75g/2:125g/2 कैंसिल, g कैंसिल, यह आ जाएगा 1, यह आ जाएगा 3, यह आ जाएगा 5 एंड दिस इज नोन एज 1:3:5। मतलब ये H1:2:H3 किसके रेशियो में है, 1:3:5 के रेशियो में। फटाफट बताइए, क्लियर हुआ आंसर? यस सर। ओके, फटाफट बताओ सारे। इसके बाद अपन निकालते हैं कि इसकी वेलोसिटी फंक्शन क्या होगा। तो वेलोसिटी फंक्शन निकालने के लिए अपन इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। चलिए डिफरेंशिएट करोगे, देखो सबसे पहले जीरो हो गया इसका, हम जानते हैं कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। 12t का 12 रह गया, माइनस टी क्यूब तो माइनस 3t2। क्वेश्चन कह रहा है जब वेलोसिटी जीरो है ना उस टाइम पे एक्सेलरेशन बता दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अपन पहले वेलोसिटी जीरो निकालते हैं, इस पूरे जीरो के बराबर पुट कर देते हैं। तो 12 - 3t2 जीरो बराबर कर दिया, जीरो बराबर कर दिया तो यहाँ से 3t2 मेरे पास निकल गया 12 बराबर। ठीक है, टी स्क्वायर निकल गया आपका 4 के बराबर, टी की वैल्यू निकल के आती है +-2, टी की वैल्यू निकल के आती है +-2। क्यों? क्योंकि जब अंडर रूट 4 करूंगा तो मेरे पास आंसर 2 आ जाएगा +-2। लेकिन टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता कि मैं प्लस वैल्यू ले लेता हूँ, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए मैं यहाँ पर 2 सेकंड ले सकता हूँ। भाई सीधी सी बात है, यहाँ पर टी स्क्वायर अंडर रूट लोगे 4, अंडर रूट लोगे 2 आएंगे, +2 भी आ सकता है, -2 भी आ सकता है। -2 को नेग्लेक्ट कर दिया बिकॉज टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, अब एक्सेलरेशन निकालते हैं। देखो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी देखो जीरो पे कुछ भी नहीं, जीरो तो 12 का भी जीरो हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा -6t, क्या हो जाएगा -6t। अब ये टी उठा के यहाँ पुट कर देंगे, टी उठा के यहाँ पुट कर दो तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, -12 m/s² आ जाता है। क्या आ जाता है, -12 m/s², जो कि क्या अपन को दिख रहा है कहीं से, बिल्कुल दिख रहा है, डी ऑप्शन करेक्ट होता हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास फोर्थ में डी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। सिंपल सीधी सी बात अपन ने यहाँ पर निकाल ली। चलिए फटाफट बताइए, क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ कि नहीं, ये सब में पास रिजान? सिंपल सीधी सी बात, फटाफट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा बेटा, 200-250 क्वेश्चन तो क्लास में प्रैक्टिस कराऊंगा हर चैप्टर के, उसके बाद 101 क्वेश्चन घर के लिए दूंगा। अभी तक अपन कितने पे, 60-70 क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर चुका हूँ, उसके बाद और क्वेश्चन अभी आपको मिलेंगे। देखो
फिजिक्स में धुरंधर नहीं बना दिया तो ना बन देना। चलिए, और मटेरियल यू कैन कंपेयर इट विद एनीवन, कहीं से भी आप कंपेयर कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सो अभी अपन ने क्या देखा, अभी अपन ने देखा दैट क्या किस तरीके से डिफरेंशिएशन करके अपन एक्सेलरेशन वगैरह फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी क्वेश्चन। एक लड़का खड़ा है यहाँ पर, ये लड़का खड़ा है जमीन से 20 मीटर की हाइट पे, ये लड़का खड़ा है 20 मीटर की हाइट पे, इसने एक पत्थर पे गिरा दिया यहाँ से, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, पूछ रहा फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ले लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो बहुत आसान हो गया। फाइनल वेलोसिटी निकाल ली है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, एक्सेलरेशन पता है, कौन बता सकता है कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा फटाफट? यस, हु कैन टेल मी कौन सी इक्वेशन लगाएं और आंसर निकालें? उत्कर्ष बारूपाल, वेरी गुड, दिव्य सिंह, आदित्य प्रताप, आदित्य प्रताप बताइए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तो क्लास के नोट्स से निकला है। अ पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स डिस्टेंस विद v1 वेलोसिटी। तो पार्टिकल आधा डिस्टेंस v1 से चलता है और आधा डिस्टेंस v2 से चलता है, तो एवरेज स्पीड कितनी होगी? एवरेज स्पीड का डायरेक्ट फॉर्मूला था यहां पर मेरे पास, 2v1v2 डिवाइडेड बाय v1 plus v2। ये हमारे पास डायरेक्टली नोट्स के अंदर गिवन है, यू कैन रेफर द नोट्स एंड चेक द फॉर्मूला ओवर देयर। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाई राइज प्लेटफॉर्म। एक ऊंचे प्लेटफॉर्म से बॉल को ड्रॉप किया गया है, इनिशियली बॉल रेस्ट पे थी, आफ्टर 6 सेकेंड अनदर बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द वेलोसिटी वी। ठीक है, हमने उसी सेम प्लेटफॉर्म पे 6 सेकेंड बाद एक बॉल को वी वेलोसिटी से थ्रो कर दिया। द बॉल, द टू बॉल्स मीट एट टी इक्वल टू 18 सेकेंड, द टू बॉल्स मीट एट टी इक्वल टू 18 सेकेंड, वॉट इज द वैल्यू ऑफ वी? वी का वैल्यू यहां पर क्या निकल के आता है, ये अपन से पूछा जा रहा है। वेरी गुड क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे कैसे करना है। ये मेरे पास एक हाई राइज बिल्डिंग है, इस हाई राइज बिल्डिंग से सबसे पहले मैंने एक बॉल को नीचे थ्रो किया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, ठीक है, इसको 6 सेकंड तक गिरने दिया, जब ये 6 सेकंड तक गिरने दिया ये यहां पहुंच गया होगा, मान लो टी इक्वल टू 6 सेकंड पे ये बॉल यहां आ गई। उसी समय मैंने एक दूसरी बॉल को यहां से वर्टिकली डाउनवर्ड वी वेलोसिटी से थ्रो कर दिया, उसी समय मैंने एक और बॉल उठाई और उसको वी वेलोसिटी से नीचे थ्रो कर दिया है। जब टी बराबर 18 सेकंड हो जाते हैं, जब टी बराबर 18 सेकंड हो जाते हैं तो ये दोनों बॉल मीट कर जाती हैं। मान लो कि ये टी बराबर 18 पे यहां आई और ये टी बराबर 18 सेकंड पे दोनों बॉल इस जगह पे पहुंच चुकी, ये रहा टी बराबर 18 सेकंड। दैट मीन्स कि 12 सेकंड में इसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्या उतना ही डिस्टेंस इसमें भी 12 सेकंड में ट्रेवल किया होगा? तो इसने S2 डिस्टेंस ट्रेवल किया 12 सेकंड में और इसने S1 डिस्टेंस ट्रेवल किया 12 सेकंड में। नाउ हम जान सकते हैं इन दोनों के बीच का इनिशियल सेपरेशन कितना होगा, तो यहां से यहां तक इनके बीच का जो इनिशियल सेपरेशन है दैट विल बी इक्वल टू S = ut + ½at², जिसके अंदर अपन निकाल सकते हैं दिस विल बी जीरो एंड दिस विल बी हाफ इंटू 10 × t² विच इज 6² 36। The answer will be 180 meter. That means इनके बीच का initial separation कितना है? 180 meter है। कितना है? 180 meter. Now we can calculate कि भाई ये वाली ball जितनी देर में नीचे पहुंची उतनी देर में ये वाली ball भी नीचे पहुंच जाएगी। Exact same question अपन ने कल की class में भी किया था। Exact same question we had done in our previous class as well. कौन बता सकता है इसके बाद मैं क्या करूंगा, फटाफट बताइए फास्ट, हु कैन टेल मी कि इसके बाद अपन कैसे करेंगे इसे? एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन अपन ने कल की क्लास में भी किया था, इधर विजुलाइज करके यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। फटाफट बताइए क्या ये चीज ये मेथड समझ में आया कि नहीं आया? सॉल्व कर लेना इसको, सॉल्व अपन कर सकते हैं।
First, raise your hand. Everyone. So we can write it as 18 ka square minus 12 ka square is equal to 12 times V. So V we will get 10 by 24, 18 square minus 12 square. Isko solve kar lena, answer aa jayega mere paas. फटाफट बताइए यस और नो एवरीवन फास्ट फास्ट ओके वेरी गुड. अगला क्वेश्चन क्लास के अंदर किया हुआ बेटा, क्वेश्चन नंबर एट क्लास के अंदर सॉल्व पहले करवा चुका हूं. इट्स अ मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन से अपन यहां पर एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन बस इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ऑन ए स्ट्रेट रोड. एक बस है जो कि स्ट्रेट रोड पे 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती है. बिल्कुल सही बात है. एक स्कूटरिस्ट है जो कि इस बस को ओवरटेक करना चाहता है. एक स्कूटर वाला है जो कि इस बस को क्या करना चाहता है, ओवरटेक करना चाहता है. ठीक है, और कर भी लेता है. कितने टाइम में? 10 सेकंड, 100 सेकंड के टाइम में. टी इक्वल टू 100 सेकंड लगाता है और इस बस को ओवरटेक करके निकल जाता है. इफ द बस हैव डिस्टेंस 1 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूटरिस्ट देन व्हाट विल बी द मिनिमम स्पीड. ध्यान से देखिए, इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है बस और स्कूटर के बीच में वो 1000 मीटर का है. मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल सही बात है. क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड शुड द स्कूटरिस्ट चेज द बस सो दैट इट विल ओवरटेक इन 100 सेकंड. भाई स्कूटर वाला चाहता है मैं इस बस को ओवरटेक करके चला रहा हूं 100 सेकंड से. ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि विद रिस्पेक्ट टू द बस, स्कूटर की वेलोसिटी बस के रिस्पेक्ट में कितनी होगी? वेलोसिटी ऑफ स्कूटर माइनस वेलोसिटी ऑफ बस which is equal to Vs minus 10. बिल्कुल सही बात है. ये मेरे पास आ गई velocity of scooter with respect to bus. दोनों के बीच का distance कितना है? 1000 meters. So we can say that the distance is 1000 meters. बिल्कुल सही बात है, 1000 meters. Time मुझे कितना लगा? तो time मुझे लगा यहाँ पर 100 seconds का. We know that time is equal to distance upon speed. Time is equal to distance upon speed. So we can say that from this equation, speed is equal to distance upon time. Speed is equal to distance upon मैं क्या किया? Time किया. Distance मेरे को कितना देर का? 1000 meter. So we can write it as 1000 divided by, यहाँ ना लिख करके इसको आगे लिखते हैं, ध्यान से देखो. So this can be written as Vs minus 10 is equal to distance kitna 1000 divided by 100. Cut kar diya. Mere ko Vs minus 10 kiske barabar mila? 10 ke barabar. Aur velocity of scooterish kitni hai? 20 meter per second. Beta, kaun sa concept use kiya hai? Is question mein maine concept use kiya hai of relative velocity. कैसे पता चला मुझे यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी यूज करना है? इससे पता चला, ध्यान से देखो, यहाँ बोल रहा है कि दोनों के दोनों पहले तो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, और जो भी बात है किसके रिस्पेक्ट में? बस के रिस्पेक्ट में. बिकॉज इन द क्वेश्चन इट हैज बीन गिवन दैट फ्रॉम द बस द स्कूटरिस्ट इज 1000 मीटर बिहाइंड. 1000 मीटर या फिर 1 किलोमीटर पीछे बस से कौन दिख रहा है मुझे? स्कूटरिस्ट दिख रहा है. इसका मतलब सारी सारी बातें मेरे को रिलेटिव टू बस बता रखी है. किसके रिलेटिव बता रखी है? रिलेटिव टू बस बता रखी है. सो वी नो दैट ऑल द थिंग्स आर रिलेटिव टू बस. तो इसीलिए मैंने वेलोसिटी भी स्कूटरिस्ट की विद रिस्पेक्ट टू बस निकाल ली और फिर फॉर्मूला लगाया, आंसर निकाला 20 मीटर पर सेकेंड. एंड 20 मीटर पर सेकेंड इज ऑप्शन नंबर ए. आई होप यहाँ पे सबको सब कुछ समझ में आया होगा. फटाफट हैंड रेज करके बताइए इफ दिस ऑप्शन is clear to everyone or not. Fast beta, fast. Hum jante hain same direction mein velocity subtract ho jati hai. You have to remember this. Fit kar lo dimag mein, bahut zyada important hai. Bar bar, time and again, all these concepts will be repeated in different questions.
इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग लैंग्वेज के अंदर आपको ये सारा चीज दे देंगी, लेकिन चीजें वही हैं, चीजें वही हैं। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, 10th क्वेश्चन। द पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉन्स्टेंट फोर्स। बट कॉन्स्टेंट फोर्स बोलने का मतलब क्या है? कॉन्स्टेंट फोर्स बोलने बोल के क्वेश्चन हमको सिर्फ गुमराह करना चाहता है। बोल रहा है कॉन्स्टेंट फोर्स का मतलब है एक्सेलरेशन क्या है, कॉन्स्टेंट, बस इतना ध्यान रख लो। कॉन्स्टेंट फोर्स मीन्स कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड इज S1 एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकेंड, सॉरी फर्स्ट 20 सेकेंड इज S2। भाई फर्स्ट 10 सेकेंड में S1 डिस्टेंस चला, फर्स्ट 20 सेकेंड में S2 डिस्टेंस चला, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाल के बताइए क्वेश्चन ये कह रहा है। चलिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर क्लास को खत्म करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, मुझे क्वेश्चन इज सेइंग दैट द पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, फर्स्ट 10 सेकेंड के अंदर टी इक्वल टू 10 सेकेंड के अंदर ये S1 डिस्टेंस कवर करता है, देन इन द नेक्स्ट 20 सेकेंड ही ट्रेवल्स S2 डिस्टेंस। चलिए दोनों के लिए सॉल्व करते हैं, S1 विल बी इक्वल टू U1T प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहां से मेरे पास फॉर्मूला बनेगा हाफ इंटू ए इंटू 10 का स्क्वायर विच इज S1, एंड सिमिलरली S2 विल बी इक्वल टू U2 UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S2 will be equal to 0 plus half into A into 20 the whole square. So this will be equal to 400 A by 2 and this will be equal to 100 A by 2. अब clearly आपको दिख रहा है S1 और S2 के बीच में क्या relation होगा? भाई अगर मैं S1 को 4 से multiply कर दूं तो S2 मिल जाएगा। दिख रहा है इसको 4 से multiply करो देखो तो मेरे को S2 मिल रहा है। तो वही चीज है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 4 टाइम्स S1 इज इक्वल टू S2, सो 4 टाइम्स S1 इज इक्वल टू S2। सो आई होप यहां तक सबको क्लियर हुआ होगा, फटाफट सबको क्लियर हो गया आपकी आज की क्लास अगर यहां तक, तो एक बार रेज हैंड करके बता दो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगले क्वेश्चन के अंदर अपन को दे रखा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड वाला फॉर्मूला लगाना है और डायरेक्टली आंसर निकाल देना है। क्वेश्चन नंबर 11 इज आस्किंग अस अबाउट दैट व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद एक्सेलरेशन ऑफ 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द 3rd सेकेंड। बेटा डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना और आंसर निकाल लेना, फॉर्मूला इज गिवन इन योर नोट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहां होगी, तो मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल बी एट दैट पॉइंट, मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वहां होती है जहां पर स्लोप मैक्सिमम होता है, जहां पर स्लोप क्या होता है, मैक्सिमम। अब अगर आपके पास ग्राफ है तो आप इस ग्राफ के अंदर देखो द स्लोप मैक्सिमम इज कहां पर दिख रहा है आपको, एक पॉइंट पर दिख रहा है मुझे बी, एक पॉइंट दिख रहा है सी, एक पॉइंट दिख रहा है डी, बी पे स्लोप फिर से कम होता हुआ दिखा, ए पे स्लोप हॉरिजॉन्टल है, बी पे इंक्रीजिंग है, सी पे सबसे ज्यादा है, तो अपन बोल सकते हैं दैट सी एट सी द स्लोप इज मैक्सिमम। सो इफ द स्लोप इज मैक्सिमम एट सी, सो वी कैन से दैट द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज एट सी ओनली। चलिए आज की क्लास में बेटा बस इतना ही करते हैं, आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे। 2 क्वेश्चंस आर लेफ्ट, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14, एंड इन टुमारोज क्लास हो सकता है कल मैं आपके एक एक्स्ट्रा क्लास लगा दूं जिसके अंदर अपन क्या करेंगे NCERT क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो विल मीट अगेन टुमारो, ठीक है, टिल देन स्टे सेफ स्टे एट होम एंड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो, योर होमवर्क विल बी टू सॉल्व ऑल दी NCERT क्वेश्चंस। चलिए बेटा थैंक यू, ऑल द बेस्ट।